हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ। बिल्कुल होटलों जैसे स्टाइल में बनाएंगे हम। यहाँ पर आलू बंडे बोल सकते हैं इसे, आलू बंडे बोलते हैं इसे। आलू बंडे बटाटा वड़ा एक ही होते। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू लिया है, देखिए इसे इस प्रकार से। अब पानी आपने थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा ना पानी नहीं लेना है। और इसे बॉयल करेंगे हम। यहाँ पर एक सीटी आने देंगे, एक सिटी में लगभग पक जाता है अच्छे तरीके से। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आप इसे किसी प्रकार से पका सकते हैं, आप गंज में पका सकते हैं। एक सिटी आने देना है आपने इसे। और ये लगभग हमारा हो चुका है, एक सिटी आ चुकी है। अब देखते हैं इसे बॉईल हुआ है नहीं हुआ है। लगभग ये बॉईल तो हो ही जाता है, देखिए फट चुके हैं अच्छे तरीके से आलू, मतलब बॉईल हो चुका है। फिर भी आपने इसे एक बार चेक करना है, देखिए चाकू की सहायता से आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, बॉईल हो चुके हैं अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पर आलू ले लिया है और इसे मैश करेंगे। देखिए हमने पलटे की सहायता से इसे मैश किया है, आप हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। गर्म है इसीलिए हमने यहाँ पर पलटा लिया है और इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये देखिए मैश हो चुका है। अब हम इसके बाद में जार में लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे थोड़ा सा, और 2 से 4 हरी मिर्च लेंगे। इसे बारीक काट लेंगे और इसे इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपने दरदरा बनाना है बिल्कुल, आपने फाइन पीसना नहीं है इसे। और देखिए लहसुन भी हमने ऐड कर दिया, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दिया। इसे हम दरदरा पीस लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए लगभग हमारा हो चुका है। इस प्रकार से आपने पीसना है दरदरा, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है। और इसे बॉयल में निकाल लेना है। देखिए इस प्रकार से हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के आसपास बड़ा हमने ऑयल लिया है। पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। हमने यहाँ पर राई लिया है 1 टेबल स्पून के आसपास। तड़का लगाने के लिए आप राई ले सकते हैं। और साथ ही में थोड़ा सा हींग लेंगे हम यहाँ पर। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे थोड़ा सा तड़कने दीजिएगा। साथ ही में हमने यहाँ पर सूखा हुआ धनिया लिया है, सूखा धनिया आपने कूट कर डालना है। साथ ही में हमने 1 टेबल स्पून के आसपास जीरा लिया है और इसे चटकने देंगे अच्छे तरीके से। और हमने जो पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, उसे भी ऐड कर देंगे यहाँ पर स्पाइसी के लिए। स्पाइसी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी टॉस कर लेंगे ड्राई होने तक, मॉइस्चराइजेशन इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। उस प्रकार से आपने टॉस करना है। और साथ ही में हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया, कड़ी पत्ता को आप बारीक कर लीजिएगा। आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए हमारा ड्राई हो चुका है लगभग। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा। और साथ ही में आपने कश्मीरी मिर्च लिया है 1 से 2, आप इसे भी ऐड कर दीजिएगा। आप इसे शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बाद में ऐड किया है, भून कर तल कर इसे ऐड किया है। और ये देखिए इसे अच्छे तरीके से टॉस कर लेना है। हम इसमें आलू मिला सकते थे, लेकिन हम बाहर मिलाएंगे, तड़का ऊपर से देंगे, ताकि क्या है कि आलू को अगर हम इसमें मिला लेते तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर से लिया है। ये देखिए हमने जो तड़का बना के रखा था उसे मिला देंगे यहाँ पर। और साथ ही में हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं नमक। और साथ ही में हरा धनिया ले लिया हमने, देखिए हरा धनिया भी ऐड कर लिया। और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, अच्छे से मैश कर लेना इसे बिल्कुल। ये देखिए अच्छे तरीके से मैश हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर। इसी प्रकार से आप मैश कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से नमक मिर्च का टेस्ट। और इसे हम यहाँ पर बड़े बनाएंगे गोल आकार में। देखिए इस प्रकार से आपने बड़े करना है इसे, होटलों वाली स्टाइल में हम इसे बड़ा बनाएंगे। ये देखिए लगभग हमारे यहाँ 10 से 12 बन चुके हैं यहाँ पर गोलाकार में। अभी हम इसका गोल बना लेंगे। गोल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है। कई लोगों क्या होता है कि बेसन गलत लेने की वजह से वो सही बन नहीं पाता है। हमने यहाँ बारीक वाला बेसन लिया है। और साथ ही में यहाँ पर नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के आसपास और हल्दी पाउडर। साथ ही में इसी में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 4 स्पून लिया है। और साथ ही में यहाँ पानी ऐड करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इकट्ठे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बेसन के लंग्स बन जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है,
ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, गाढ़ा हो गया था हमारा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा घोल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से इतना ही गाढ़ा अपने घोल तैयार करना है आपने। ये हो चुका है यहाँ पर, और साथ ही में इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा क्रंचनेस आएगा। ये देखिए इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब साथ ही में मैं तब तक उसे 20 से 30 मिनट रेस्ट होने देंगे, तब तक है मैं मिंट की चटनी बना लेते हैं। मिंट लेना है आपने, और साथ ही में हरा धनिया लेना है, मिंट से ज़्यादा आपने हरा धनिया लेना है। और साथ ही में 2 से 4 हरी मिर्च लेंगे हम तीखा के लिए, और अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा, और साथ ही में नमक लेंगे 1 टेबल स्पून के आसपास। बहुत अच्छी चटनी बनेगी ये देखिए। और थोड़ा सा शुगर ऐड करना है, खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं ये देखिए। साथ ही में अपने मसाला ऐड कर लेना है, और साथ में आपने देखिए ये चाट मसाला, आमचूर पाउडर ले सकते हैं, और नमक आपने देखिए इस प्रकार से, और साथ ही में नींबू का रस लिया है हमने, और साथ में आपने कड़ी पत्ता भी ले लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए आपने दही लेना है, दही ना हो आपके पास में तो पानी ऐड कर सकते हैं, दही लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे खट्टा। ये देखिए हमारा चटनी बनकर रेडी है, बहुत अच्छे से चटनी बनकर रेडी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए चटनी को बना लिया हमने, अब हम आलू बंडे बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से घोल भी हमारा अच्छे तरीके से बन चुका है यहाँ पर। ये देखिए इसे और अच्छे तरीके से राउंड शेप में दे देना है आपने, और इसे किस प्रकार से, ये देखिए आपने चम्मच या हाथों की सहायता से आप इसे ऑयल पर रख सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ठंडे तेल में नहीं डालना इसे। तेल चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए तेल का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से डाल देंगे। होटलों में तो हाथों की सहायता से डालते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं वहाँ पर। आप घर में बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से इसे बना लीजिएगा, और इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा बनकर रेडी है, तो इसी प्रकार से हम हाथों की सहायता से देखिए 5-6 ऐसे ले लेते हैं, और इसे उठा के अपने ऑयल में से डालते जाना है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका बनेगा। ये देखिए तेल को आपने मीडियम रखना है, आपने ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, और ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। और इसे पलटे की सहायता से बीच बीच में आपने चलाते रहना है, बहुत अच्छा कलर और क्रंचनेस भी आएगा, और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा इसका। ये देखिए हमारा बन चुका है, लगभग 5 से 10 मिनट में यह पक जाता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया कलर और बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है हमारे यहाँ पर। अब इसे सर्व कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।